कि हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले हमारे पहाड़ में रहने वाले लोग भी अब समझ गए हैं, और ऐसी परिस्थिति में एक नई शुरुआत की हमने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन की, जो सीएम हेल्पलाइन की 1100, घर बैठे आप शिकायत करें और शिकायत करके जो है समस्या का समाधान करने की दिशा में हमने प्रयत्न किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जहां लगभग 2,48,000 शिकायतें प्राप्त हुई हमको सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से, और उसमें से 1,46,142 के लगभग शिकायतों का समाधान करने में हम सफल हुए, घर बैठे समस्याओं का समाधान। और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में भी 1,36,000 उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हमको मिले, जिससे बहुत सारी माताओं बहनों को सुविधा हुई, उनके घर में गैस का चूल्हा लगा। सकता हमने अपने प्रदेश सरकार की ओर से योजना बनाई गृहिणी सुविधा योजना, और हर घर को गैस का चूल्हा देने वाला हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य बना है। 3,17,000 गैस के चूल्हे हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में दिए। ये हिमकेयर के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में 1,74,000 ऐसे गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में किया। और सहारा योजना के अंतर्गत जितने भी लोग इस प्रकार के हैं जो अपना काम खुद नहीं कर सकते, अगर बाथरूम तक भी जाना है उनको सहारे की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे लोगों के लिए मदद के रूप में हमने सहारा योजना के अंतर्गत उनके खाते में हर महीने का 3,000 रुपए उनके खाते में डालकर उनकी मदद करने की कोशिश की। जो गरीब परिवार की जो बेटियां हैं, जो बीपीएल फैमिली की है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन बीपीएल है, गरीबी रेखा से नीचे है, उन सभी बेटियों की शादियों के लिए हमने एक और योजना की शुरुआत की, जिसका नाम हमने शगुन रखा। शगुन योजना के अंतर्गत बेटी की शादी पर 31,000 रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार उनको जो है वो मदद करेगी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हर व्यक्ति को, ऐसे नौजवानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना शुरुआत की, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है उस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष के युवाओं को निवेश पर जो है जो हम पैसा जो हमको उनको दे रहे हैं, और उसमें 25% जो है सब्सिडी दे रहे हैं, और जो बेटियां कर रही हैं उसमें जो है उनके लिए 30% सब्सिडी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ में जहां उसमें कोई विधवा है, कोई महिला अगर वो काम करना चाहती है तो उसको 35% सब्सिडी दे करके हम उनको मदद कर रहे हैं। अभी बहुत वक्त नहीं हुआ, लेकिन 3,690 ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपना काम शुरू किया, और कई लोगों को, कई नौजवानों को वो रोजगार उसके माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। और इसलिए उन्होंने एक योजना शुरू की किसान सम्मान निधि की, ऐसे किसान जिनके पास 25 बीघा से कम जमीन है, उन किसानों के लिए, सबके सब किसानों के लिए 6,000 रुपए जो है वो किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो है दिया जा रहा है। अगर हम बेटी है अनमोल योजना की अगर हम बात करें तो 31 करोड़ अभी तक हमने उसमें व्यय किए हैं, और उसमें लाभार्थियों की अगर हम संख्या देखें तो 1,00,000 से अधिक हो गई है। और मुझे इसमें प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मंडी जिला पूरे देश भर में पहले स्थान पर आया, और इसके लिए मैं मंडी के सारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के और हमारे मंडी वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी एक भूमिका रही है हिमाचल प्रदेश के विकास में। और उस दृष्टि से आज प्रदेश की कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण मिल रही चुनौती के बावजूद हमारी सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध और संवेदनशील है। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सहर्ष घोषणा करता हूँ कि 1 जुलाई 2021 से प्रदेश के सभी कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते की 6% की किस्त दी जाएगी, और इसके परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 32 लाख लीटर खाद्य तेल की आपूर्ति की जाती है। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं घोषणा करता हूँ कि अगले 4 महीने के लिए बीपीएल परिवारों को दी जा रही 10 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी को 3 गुना बढ़ा करके 30 रुपए तथा एपीएल परिवारों को दी जा रही 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी को 2 गुना बढ़ा करके 10 रुपए किया जाएगा। ये भी मैं आपके बीच में ऐलान करता हूँ कि मंडी की नगर निगम के लिए मैं अलग से जो है 15 करोड़ रुपए देने की भी यहाँ की घोषणा करता हूँ,
ताकि वो अपने विकास को गति दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद।